IPL 2024 की शुरुआत 22 मार्च 2024 से होने वाली है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग लेने वाली हैं, जो कि एक खिताब के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी नियम फॉलो करता है, लेकिन इसके इतर टूर्नामेंट में कुछ ऐसे नियम भी हैं जो कि T20 इंटरनेशनल में नहीं उपयोग किए जाते हैं। इसी में एक नाम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नियम का है, जिसने कई बार इस टूर्नामेंट में मैच पलटने में खास भूमिका निभाई है। इस नियम की शुरुआत इंडियन प्रीमियर लीग 2009 में हुई थी, तभी से हर साल इसका उपयोग किया जाता है। IPL 2024 में इसे कैसे लागू किया जाएगा, आइए जानते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट इंडियन T20 लीग मैच में एक छोटी ब्रेक अवधि है, जिसे टीम के लिए राहत देने और रणनीति में सुधार करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा अनुरोध किया जा सकता है। इंडियन T20 लीग के दूसरे संस्करण के दौरान शुरू किए जाने के बाद से हर सीजन में रणनीतिक समय सीमा लगातार बनी हुई है। इस नियम से कई बार मैच का रुख बदल जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नियम का उपयोग एक मैच में 4 बार किया जाता है। इसमें एक टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करते समय इसे एक एक बार उपयोग कर सकती है। टाइम आउट लेने का भी समय मैच में फिक्स कर दिया गया है। एक पारी के दौरान गेंदबाजी करने वाली टीम 6 से 9 ओवर के बीच टाइम आउट ले सकती है। वही बल्लेबाजी करने वाली टीम 11 से 16 ओवर के बीच कभी भी टाइम आउट ले सकती है। इंडियन T20 लीग में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट फिलहाल में 3 मिनट का होता है। IPL 2024 सीजन से पहले ये 2 मिनट और 30 सेकंड का होता था। गेंदबाजी करने वाली टीम 6 से 9 ओवर के बीच रणनीतिक टाइम आउट का उपयोग कर सकती है, जबकि बल्लेबाजी करने वाली टीम 11वें से 16वें ओवर के बीच के टाइम आउट का फायदा उठा सकती है। यदि कप्तानों या टीमों द्वारा टाइम आउट नहीं लिया जाता है तो अंपायर 9वें ओवर या 16वें ओवर के अंत में टाइम आउट का संकेत देगा, या इस बात पर निर्भर करेगा कि किस पक्ष ने इसे नहीं लेने का विकल्प चुना है। IPL में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की शुरुआत 2009 में हुई थी।